तो हम लोग अभी पनवेल रेलवे स्टेशन में गोरेगांव का अड़ी लगा है, तो सीधा बांद्रा निकल जाएंगे। ये बंदा, इसको ये जब पैदा हुआ ना, पैदा होने से पहले भगवान ने इसको पास में बुलाया था, बुला के बोला कि इधर तेरे से बात करने की है। ये बोला क्या? बोले नीचे एक सौरभ दास नाम का आदमी मिलेगा, उसको परेशान करने के लिए तेरे को भेज रहा हूँ, उसको परेशान करना मत भूलना, ठीक है? तो अभी ये बंदा आ गया है परेशान करने के लिए। तो फिलहाल अभी ये ट्रेन में देखते हैं कहाँ खाली रहेगा, बैठ जाएंगे। ये लेडीज है, ये फर्स्ट क्लास है, इसके बाजू वाले में बैठेंगे। चलो आगे जाके मिलते हैं, अभी फिलहाल दो है, दो का चार हो जाएगा। ये मार्च 2022 है। एक ज़रूरी अपडेट दे देता हूँ, रिजर्वेशन जो है अनरिजर्व कंपार्टमेंट रहता था ना, पहले जैसे जनरल कोचेस रहते थे जिसमें ऐसा 60-70 रुपये का ठूस ठूस के लोग भर जाते थे, वो अभी तक सब गाड़ियों में चालू नहीं हुआ है, वो याद रखना, कुछ कुछ में चालू हुआ है और आगे जाके धीरे धीरे ऐसा सुनने में आ रहा है कि 1-1.5-2 महीने के अंदर बाकी धीरे धीरे चालू होगा। तो फिलहाल हम लोग एक स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं, वो है मानसरोवर। पहुंच गए हम लोग वाशिका रेलवे स्टेशन, क्रॉस होके वाशिका जो ब्रिज आता है ना, वाशिका खाड़ी उधर है। ये देखो बाहर का नज़ारा कितना खूबसूरत है, देखो वडाला पहुंच गए भाई। ये देखो 8 बजे छोड़ देगा अभी डामरा बांद्रा बांद्रा पहुंच गए। बैंडर टर्मिनस पैदल निकल लेंगे, 1 किलोमीटर है। अभी जो बैंडा टर्मिनस का ओवरब्रिज है उधर खड़े हैं। बैंडा रेलवे स्टेशन में उतरने के बाद चिकन बिरयानी पार्सल ले लिया 3, रात को बैठे बैठे खाएंगे। वेटिंग लिस्ट 1 पे आके मेरा टिकट फंस गया, इसका 2 पे आके फंस गया, तो अभी वही टॉयलेट के बाजू में बैठ के जाना पड़ेगा। तो बांद्रा टर्मिनस के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे है और हम लोग का जो ट्रेन है वो इधर ही आने वाला है, 20943 भगत की कोठी फ्रॉम बांद्रा टर्मिनस, ठीक है? तो वो देखो कंटिन्यूस अनाउंसमेंट भी हो रहा है, हमारा नहीं सबका हो रहा है। गाड़ी आने के बाद मिलते हैं। तो हम लोगों का गाड़ी जो है वो यार्ड से इधर आ गया है। हम सफ़र ए मेरे हम सफ़र। लोग 4 जने भाई, मैं मेरे को परेशान करने वाला मंजीत, ये प्रियल प्रियल मात्रे और ये सुयश। तो हम लोग अभी चारों बैठ रहे हैं, तो गाड़ी का आजू बाजू में हापुर रोड में जा रहे हैं, वहाँ से माउंट आबू जाएंगे। टिकट कुछ डीसी के लिए वेट करेंगे, उसके बाद जाएंगे, ठीक है? मैंने साइकिल से जा रही थी, कम टॉप से जा रहा था। फिलहाल ट्रेन चालू हो गया है और हम लोग अभी जा रहे हैं, ठीक है? 1, 2, 3, 4 मेरे को ट्रेन का ना ये आवाज़ कड़क 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 है ना, बहुत अच्छा लगता है, मालूम क्या? रात को सफ़र करने का ये एक प्रॉब्लम रहता है कि ब्लॉगिंग में ना घंटा कुछ दिखता नहीं है, सब काला 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 दिखता है, थोड़ा सा रोशनी जो है वो दिखेगा, वरना रात का नज़ारा बहुत अच्छा दिखता है।
आप ही आया अभी। ये दो लोग यहाँ पर बड़े बड़े जा रहे हैं। हम लोगों ने अभी केक खाया इधर, किसके मम्मी का बर्थडे था तो इधर मस्त खा पी के केक खड़े है। एक बंदा गया सोने के लिए, अभी घंटा नींद नहीं आती है लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। कोशिश करने करने वालों की कभी हार नहीं होती है, मेरे से बोले नहीं यार अभी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अहमदाबाद जंक्शन पहुंच गए भाई। मॉर्निंग लवली पीपल्स। तो हम लोग कहीं तो खड़े हैं अभी, पता नहीं कहाँ खड़े हैं, लेकिन यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है। तो ओके, हम लोग यहाँ पे उंझा स्टेशन में खड़े हैं। वेलकम टू ट्रैवलिंग इज ऑसम। तो ये हमारा ट्रेन है। तो अभी तक जो सफ़र है हम लोगों का वो ख़त्म नहीं हुआ है। रात को इधर उधर करके सोए हम लोग, नींद तो अभी भी है। तो कल रात को तो मैं आप लोगों को अपना कोच दिखा नहीं पाया, आज सुबह दिखा देता हूँ। मैं जिस कोच में था वो कुछ इस तरह का दिखता है। देखो पीछे पानी बोतल आ रहा है, एक मिनट जरा। तो कल रात को हम लोग यहाँ पर थे, पानी बोतल। आज सुबह बहुत जबरदस्त है। ये यहाँ से एग्जिट, ये हमारे साथ एक छोटा सा हमसफर है, हमसफर का ट्रेन में। ट्रेन टिकट हो गया ना, फिर हो गया अब तो ट्रेन टिकट भी इधर ही मिलेगा।